देश की राजनीति में बड़ा रसूख रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी केपी यादव ने करारी शिकस्त दी थी और आज तक सिंधिया उस हार के मलाल को भुला नहीं पाए हैं। आज फिर सिंधिया और यादव आमने सामने हैं, लेकिन मलाल किसी चुनाव का नहीं बल्कि श्रेय लेने का है। तो किस बात का श्रेय ले रहे हैं सिंधिया और कैसे केपी यादव ने फिर दी उन्हें मात, देखिए डीबी लाइव की इस खास खबर में। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना अशोकनगर जिला अस्पताल में अभी हाल ही में सिटी स्कैन मशीन लगाई गई है, जिसको लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी के ही दो धड़े अलग अलग दावे कर रहे हैं। कोविड प्रभारी मंत्री सिंधिया समर्थक बृजेंद्र सिंह यादव दावा कर रहे हैं कि सिंधिया के प्रयास से ही अशोकनगर जिला अस्पताल को ये सिटी स्कैन मशीन मिली है, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जनसंपर्क विभाग की माने तो केपी यादव ने ही इस मशीन के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। अशोकनगर के पुराने बीजेपी नेता नीरज सोनी ने भी केपी यादव को ही सिटी स्कैन मशीन लगवाने का श्रेय दिया है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर ही केपी यादव गुना अशोकनगर से वर्तमान में सांसद हैं, जबकि सिंधिया अब बीजेपी में आने के बाद राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं। ऐसे ही श्रेय लेने की होड़ के चक्कर में सिंधिया ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर से भी शिकस्त खा चुके हैं। उसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समर्थकों ने भी सिंधिया से रेमडेसिविर की हिसाब मांगा था। सिंधिया की जबरदस्त किरकिरी की थी। अब गुना में भी श्रेय लेने के चक्कर में सिंधिया फिर मुसीबत में है। सिटी स्कैन मशीन का श्रेय सिंधिया समर्थक सिंधिया को दे सकते हैं, लेकिन सरकार के जनसंपर्क विभाग के बयान ने सिंधिया समर्थकों के दावों की पोल खोल दी है और सिंधिया की मुसीबत बढ़ा दी है। डीबी लाइव के लिए ग्वालियर से गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।